क्या सेक्रेट में सिर्फ मनोरंजन ही होता है? क्या सेक्रेट के दरवाजे जो अलग अलग डिपार्टमेंट वहाँ पर बनाए गए हैं, क्या लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है? क्या सेक्रेट सिर्फ मनोरंजन के लिए है? ऐसे कई सारे सवाल हर्षदेव ने यहाँ पर खड़े किए हैं और आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कहा जा रहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है और लगातार जिस तरीके से चुनाव जो है वो ना होने के कारण जम्मू कश्मीर की आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। सेक्रेट पे कई सारे यहाँ पर जो है वो सवाल भी उठाए गए हैं, तो बातचीत करते हैं। सर, आपने कई सारे इल्जाम लगाए कि सेक्रेट क्या सिर्फ मनोरंजन के लिए है, लोगों की जब मुद्दे की बात आती है तो दरवाजे आखिरकार बंद क्यों हो जाते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों को जब अपने मसले लेकर सेक्रेट के अंदर जाना हो तो उनको उनके ऊपर दर्जनों किस्म की पाबंदियां हैं, वहां जाने नहीं दिया जाता है और त्राहिमाम कर रहे हैं लोग, बुनियादी सुविधाएं उनके पास नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही उसको रखा गया है, वहाँ पर फिल्म स्टूडियो बना दिया गया है और 300-400 लोग वहाँ जो हैं वो बिहार से घुसाए हुए हैं, जो वहाँ अपना नाच गाना और दूसरा फिल्मी शूटिंगा वहाँ कर रहे हैं। क्या असेंबली जो एक मंदिर है जमहूरियत का, जिसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्या उसको फिल्म स्टूडियो बना देना चाहिए? और ये पहली बार ही नहीं हुआ, लगातार ऐसा लगता है इन्होंने आउटसोर्स कर दिया है उनको। और जहां लोगों के मसलों के ऊपर चर्चा होती है, लोगों की बिजली पानी की समस्याओं के ऊपर बात होती है और उनका समाधान किया जाता है, स्कूल सड़कें अस्पताल के ऊपर चर्चा होती है, कानून बनाए जाते हैं वहां पर, और कानून बनाने से पहले वहां असेंबली में चर्चा होती है और फिर मेजॉरिटी वोट से उस कानून को पास किया जाता है, वो कानून आज असेंबली में नहीं बन रहे हैं, असेंबली को नाचने गाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और कानून घर में बैठकर एक आदमी इनका कानून बनाता है और सुबह उस कानून को जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर लागू कर दिया जाता है। इस किस्म की तानाशाही, इस किस्म का भद्दा मजाक जमहूरियत के साथ, संविधान के साथ, क्या इसके ऊपर बोलना नहीं चाहिए किसी को? कोई बोले ना बोले, हर्षदेव बोलेगा। आप कह रहे हैं कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब है, लेकिन रविंदर रैना जी की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर की आम जनता बेहद ही खुश है, भाजपा से बेहद ही खुश है। देखिए बेचारे रविंदर रैना का भी कसूर नहीं है, उसको तो नौकरी करनी है ना, तो उसको वही कहना है जो उसके आका दिल्ली से कहते हैं। वो कैसे कह सकता है कि ये स्थिति खराब है? छोटा भाई है हमारा, ऐसी बात नहीं है, शरीफ आदमी है, मैं कदर करता हूं उसकी, लेकिन उसको वही कहना है जो दिल्ली वाले उसको कहेंगे, जो लोग कहेंगे वो नहीं कहना है। और अब उसको हम बता दें कि रह भी वही लीडर ही गए हैं आपके आसपास जो है, जनता खिसक चुकी है आपसे, और जो हाल आपने जम्मू कश्मीर का कर दिया है, भ्रष्टाचार अपने चरम के ऊपर है, कभी नहीं ऐसा देखा इतना भ्रष्टाचार, बेरोजगारी में पहले नंबर पे आ गया जम्मू कश्मीर। जी मनोज सिन्हा दावे कर रहे हैं भ्रष्टाचार को खत्म किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि आसमान छू रहा है। नहीं, वो उनका नजरिया होगा, उनको पता नहीं भ्रष्टाचार कौन सा लगता है और कौन सा नहीं लगता है, लेकिन चोरी चकारी इसकारी स्कीमों का अभी हाल ही में देखो JJM में क्या कहा गया था कि कितना पैसे का घपला हुआ है, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स उन्होंने खुद ही कहा कि 2.5 लाख हो चुकी हैं, और हर महकमे से लगातार ये आवाजें उठ रही हैं कि यहाँ का पैसा जो लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था वो पैसा पिल्फरेज हो गया, उसका खुर्द फुर्द कर दिया गया। कानून रोजाना नए बनाए जा रहे हैं, जब असेंबली नहीं है तो कानून बनाने का अधिकार आप लोगों को किसने दिया? घर में बैठकर कानून बनते हैं क्या? प्रॉपर्टी टैक्स का कानून आपने घर में बैठे बनाया और लोगों के ऊपर आपने थोप दिया, अब कहते हैं थोड़ी देर के लिए होल्ड में रखेंगे। स्मार्ट मीटर्स आपने घर बैठे फैसला कर लिया, अरे कोई चुनी हुई सरकार भी होनी चाहिए। जमहूरियत का तकाजा है कि इस किस्म के फैसले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लेगी, लेकिन आप घर बैठे ऐसे फैसले ले लेते हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर, क्या इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो शहर जम्मू कश्मीर आपका अड्डा बना दिया है, लोगों की जमीनें छीनने के फैसले आपने घर बैठे कर दिए कि 50 साल से 100-100 सालों से जो लोग उन जमीनों के ऊपर काबिज थे उनको खाली कराने के आदेश आपने दे दिए। इतनी तानाशाही है, लोगों के घरों के ऊपर, लोगों की दुकानों के ऊपर आप आए दिन बुलडोजर चला। आज जम्मू कश्मीर की आम जनता निराश है भाजपा से?
ये तो आपको भी दिखना चाहिए, आप चले जाइए कहीं भी, लोगों के अंदर जो एक गुस्सा है एक दिन ज्वालामुखी बनकर फूटेगा। तो क्या वो 2024 में फूटेगा? जब मौका मिलेगा लोगों को, लोगों के हाथ में कुछ, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को एक खौफ के माहौल में रखा जा रहा है कि आप बोलेंगे नहीं, किसी को ईडी का डर दिखाया जा रहा है, किसी को सीबीआई का, एनआईए का, आईबी का। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास है क्या, मुझे बताइए? डू दे हैव एनीथिंग एल्स टू शो टू द पीपल व्हाट दे हैव डन ड्यूरिंग द लास्ट 10 इयर्स एक्सेप्ट रेट्स बाय द ईडी, सीबीआई, एनआईए एंड आईबी? या फिर हिंदू मुसलमान करवाते हैं, लोगों को आपस में लड़ाकर वोट हासिल करते हैं? भाजपा कहती विपक्षल हिंदू मुसलमान करवाते वक्त में, भाजपा कह रही है कि हिंदू मुसलमान विपक्षल करवाता है। ये सबको मालूम है, ये तो मुझे इसका जवाब मुझे लगता है कि देने की जरूरत भी नहीं है, सारी दुनिया जानती है। आप सिर्फ यहाँ के लोग नहीं, हिंदुस्तान के लोग नहीं, बाहर के लोग भी जानते हैं कि हिंदू मुसलमान कौन करवाता है और किस तरीके से लोगों को तकसीम करके, नफरत की राजनीति करके ये लोग अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं और अपने सियासी मुफाद के लिए ये कोई भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये इन लोगों ने साबित कर दिया है और सारी जनता जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, साफ तौर पर आप सुन चुके हैं किस तरीके से, यानी कि सेक्टर की बात कर रही है जहां पर आपको सिक्योरिटी, हर रोज आप उस रास्ते से गुजरते हैं और सिक्योरिटी यानी कि काफी ज्यादा वहां पर देखने को मिलती है, जहां पर कोई भी व्यक्ति वहां पर खड़े होकर वीडियो नहीं बना सकता, सेल्फी नहीं खींच सकता और वहीं पर मनोरंजन यानी कि फिल्म की शूटिंग जो है देखने को मिल रही। इसी को लेकर कई सारे सवाल हर्षदेव ने यहाँ पर खड़े किए हैं, आप इसको किस नजरिए से लेते हैं कि क्या आप भी ऐसा, आपको भी ऐसा लगता है कि क्या जब लोगों की बात यानी कि मुद्दों की जब सवाल होते हैं, मुद्दे होते हैं, जब उनकी बात होती है तो क्या वो दरवाजे, सेक्रेट के दरवाजे बंद हो जाते हैं? क्या सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सेक्रेट के दरवाजे जो है वो खोल दिए जाते हैं? आप इसको किस नजरिए से लेते हैं? अपनी राय रखना कमेंट सेक्शन पर, ना भूलिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शाहबाद, जम्मू।